हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ऐप जिससे कि आप सारा कुछ डिटेल्स पता कर सकते हो। गाड़ी के ओनर का नाम, यानी कि गाड़ी के जो मालिक है उसका नाम, चाहे वो बस का हो, ट्रक का हो, कार का हो, बाइक का, मतलब किसी तरह का हो, बाइक का भी हो। बाइक का आज मैं चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप कार का भी अगर नंबर जानते हो तो वहाँ से कर सकते हो सारा कुछ, और बाकी सारा कुछ आप ऐप को इंस्टॉल करने के बाद समझ ही जाओगे, ठीक है। तो चलिए, इस ऐप का नाम है RTO व्हीकल इंफॉर्मेशन, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। क्योंकि इस तरह के ऐप जो है प्ले स्टोर में जाकर करना चाहोगे तो काफ़ी सारे इस तरह के ऐप मिलेंगे। वहाँ पर काफ़ी सारे फेक ऐप बन चुके हैं जिसमें जाओगे तो वहाँ पर आप डिटेल्स नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन पे ही लिख दिया हुआ है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप पेट्रोल डीजल जितना की भी सारे चेक कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं वीडियो के एंड पर बताऊँगा। तो पहले यहाँ पर बाइक, कार्स, बस, ट्रक, ये सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से आप सारा कुछ की डिटेल्स जो है यहाँ पर सब पता कर सकते हो। तो देखते रहे वीडियो को एंड तक, और चैनल पर नए आए हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ऊपर ऑल पर सेलेक्ट करना, क्योंकि तभी मेरे जितना भी वीडियो बनाऊंगा पर तो वो सारे आपके पास पहुंचेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइक। तो आज हम बाइक के बारे में बताऊँगा, क्योंकि बाइक के कुछ मॉडल नंबर मैंने याद कर रखे हैं, ठीक है। जो प्लेट नंबर होता है वो मैंने याद कर रखे हैं, तो इसमें काफ़ी सारे जो एड्स आते रहते हैं तो आप वो कट कर देना, ठीक है। सिंपल से बाइक में जाना और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जैसे कि आपको गाड़ी का प्लेट नंबर होता है वो डाल देना है यहाँ पर। जैसे मैं डालता हूँ जी, जो कि मुझे कुछ याद था, ठीक है। और जी में डाल के यहाँ नोटैक्स पर क्लिक कर देना है। ये एक ऐड है, ठीक है। तो नोटैक्स पर अभी यहाँ पर सारा कुछ गाड़ी का डिटेल्स आ चुका है। तो यहाँ पर गाड़ी का डिटेल्स सारा कुछ आ चुका है, अब यहाँ से आप सारा कुछ पता कर सकते हो। जैसे कि अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर कोई दोस्त आता है और बोलता है देखो मैंने ये गाड़ी लिया है, ठीक है, और गाड़ी होता है दूसरे का, तो आप कैसे बोलेगा? अरे वाह, बोलेगा आप बोलोगे तो कि हाँ सही बात हो सकता है इसने लिया हो, लेकिन अब श्योर नहीं है। तो श्योर होने के लिए क्या करना होगा, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए सिंपली सा, और पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इस तरह कर सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च करना है उस गाड़ी का प्लेट नंबर, बस उसको पता चल जाएगा कि किसका गाड़ी है, किसके नाम पर ये गाड़ी। तो आप श्योर भी हो जाएंगे चाहे उसका हो या ना हो। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट बोल सकते हो देख भाई किसका नाम पर गाड़ी है। तो इस तरह से जो है आप सारा कुछ कर सकते हो इसमें। तो इसमें सारे कुछ अवेलेबल है, बस, ट्रक, सारा कुछ का। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का ये वीडियो होगा वो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक और चीज़ बताते हैं कि अभी हम लोग का पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो अभी क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली सा सर्च करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए, इसी ऐप में सारा कुछ होने वाला है, अवेलेबल है इसमें। तो चलिए झारखंड, सॉरी, यहाँ पर सेलेक्ट और सिटी यानी धनबाद यहाँ पर हम लोगों को लिखना है। मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, मैं जो भी कुछ बताता हूँ सारा कुछ खुद करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के पास वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल का धनबाद में, मैं धनबाद में रहता हूँ अब, ठीक है, वहाँ पर 77 रुपये का है। यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो आप जहाँ पर रहते हो। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।